हाँ इतना लाइट ना बंद करना है, मुकम्मल लाइट हो। हाँ जी वैसी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सदर साहब हैं, चीफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ जज साहब हैं, वजीर आजम साहब हैं, वजीर आला साहब हैं, ये सबको उलझाया जा रहा है, ये कौम को भी उलझाया जा रहा है आपस के अंदर कि अभी मुल्क तरक्की ना करे। इनको चाहिए कि आपस के अंदर एक हो जाएं, जो भी मुल्क को कौम को नुकसान दे रहा है उसको पकड़ें ताकि मुल्क खुशहाल हो जाए। ये आपस के अंदर महंगाई और बेरोजगारी या आपस के अंदर बेतफाकी है ये खत्म हो जाए। ये आपस के अंदर भाईचारा होना चाहिए, ये छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी आदमी हो, आपस के अंदर इत्तफाक करे। ये दौलतमंद नहीं चाहिए मुल्क को, मुल्क को गरीब नहीं चाहिए, मुल्क को वो आदमी चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतरी सोच रखता हो और बेहतर करने वाला हो। और मदाउसन वैसी जो है मुल्क को खरबों का फायदा देना चाहता है और पूरी कौम को फायदा देना चाहता है और इस इस्लाम के लिए और जितने भी है सबको एक होना चाहिए और पूरी दुनिया के मुल्कों को सबको एक होना चाहिए और सबके सबका साथ देना चाहिए। वैसी साहब आप कैसे फायदा देना चाह रहे हैं मुल्क को? सर जब सोच एक दूसरे के साथ अच्छी होगी, जब एक दूसरे का फायदा सोचेंगे तो फिर अपने आप हो जाएंगे। और आपका फायदा सोचेंगे, सबका, पूरी कौम का सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे तो ये अपने आप फायदा होगा, ये अपनी अपनी जेबों का नहीं। वैसे साहब आपका कहना है ये जो सियासतदान है ये ढोन कर रहे हैं लोगों के साथ। ये सियासतदान अच्छे हैं और इनको बहकाया जा रहा है, इनको सही रास्ते पे नहीं आने दे रहे। वो कौन है उसको पकड़ना चाहिए ताकि मुल्क की महशियत, मुल्क के इदारे, मुल्क के पूरे कौम के पूरे जितने भी हैं असासे हैं, इदारे हैं, इनको मजबूत करना चाहिए और पूरी कौम मजबूत होगी। अगर गरीब है या अमीर है सब एक हो जाए, जिस इनके साथ ऐसा रवैया करो कि सब एक हो जाए, मुसलमान हो या कोई भी हो जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, आपस के अंदर मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, इनका फायदा सोचना चाहिए। जितना भी है बैरूने मुल्क है उनका भी साथ देंगे और अपने मुल्क को पहला साथ दोगे तो फिर दूसरे को देंगे। और जितने भी मुल्क हैं और ज्यादा तो ज्यादा इस्लामी मुल्क हैं, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरे सब अपने हो जाएंगे, जब तक ये आप एक नहीं होंगे ऐसे लोग आपको खराब समझेंगे और गलत कहेंगे आपको, आप अच्छे हैं क्यों कहा जाता है ऐसे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हो जाओ एक, अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हो, अगर मोहब्बत करने वाले हो तो एक हो जाओ। ये जितने भी सियासतदान हैं ये अच्छे हैं, इनको कौन बहकाया जा रहा है? इनको बहकाने नहीं देंगे, इस मुल्क को इस कौम को खरबों का फायदा देंगे, इनकी जो भी जितनी भी है सहूलत देंगे, इनको किस हिसाब से देंगे? इनको इस हिसाब से देंगे कि ये खुद कहेंगे कि यार ये ऐसे ऐसे आदमी की जरूरत है, वो उस आदमी की जरूरत है जो मुल्क की कौम की बेहतरी सोचता है, वो अमीर गरीब का सवाल नहीं है, उस आदमी की इस मुल्क को जरूरत है जो बेहतरी सोच रखता है और बेहतर करने की सोच रखता है। और जो भी है ये महंगाई है, ये इनको उलझाया जा रहा है। ये साफी भाई जो है
ये साफी भाई जो हैं, ये अपनी जान के पर खेल कर नीचे से ऊपर तक खबर ले जाते हैं। इनके साथ रवैया, इनके साथ मोहब्बत करनी चाहिए। ये यही कुर्बानी देते हैं और इनका साथ देना चाहिए।